वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों जैसा कि आज आप सेटअप देख पा रहे हैं, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों बहुत दिनों से काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे क्यों मैं अपने वीडियोस में चैलेंजेस नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण था जो कि मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ सचमुच में एक चैलेंज किया जाए। दोस्तों दरअसल आज का ये जो चैलेंज है ये पूरे इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने किया, क्योंकि एक ऐसा चैलेंज है जो कि सिर्फ और सिर्फ भूतिया या पैरानॉर्मल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर देता है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके दिल में भी असर डालता है, क्योंकि सीधे सीधे ये आपके अंदर की साइकोलॉजी को पूरी तरह से हिला देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस किसी ने भी इस चैलेंज को करने की कोशिश की है उसे लिटरली अपने सामने शैतान, भूत या फिर कोई निगेटिव एनर्जी दिखाई दी, उसे अपनी ही शक्ल बदलते हुए दिखाई दी है और उसका दिमाग पूरी तरह से मतलब कुछ इस तरह से खो गया है कि उसको ये लगने लगा कि मेरे अंदर शैतान है या फिर मैं ही एक शैतान हूं। इसलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली ये कहूंगा कि इस चैलेंज को गलती से भी मेरी देखा देखी मत करना, क्योंकि ये चैलेंज सीधे सीधे आपके दिमाग में असर डाल सकता है। ये प्रूव्ड है। देखो आप स्क्रीन शॉट भी मैं फिर से दिखा रहा हूं, आप लोगों को देख सकते हैं कि ये चैलेंज सचमुच में खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मैं लगातार इस डार्क कमरे में जहां पर सिर्फ केवल एक ही लाइट की रोशनी है प्रॉपर, उस कमरे में मैं पूरी शांति में 10 मिनट तक लगातार एक आईने में देखने वाला हूं। जितनी हो सके उतनी कोशिश करूंगा पलक नहीं झपकाने की। अभी टाइम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कहां गया? देख सकते हैं आप लोग, टाइम हो रहा है 3:04 का और देख लीजिए क्लियर 3:04 का टाइम है। और ये जो चैलेंज, ये जो टाइमिंग है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा टाइमिंग माना जाता है जिस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एक तरीके से इस टाइम को हम डेविल आर कह सकते हैं। तो डेविल आर में ही मैं इस चैलेंज को अंजाम देने जा रहा हूँ। मेरे सामने मेरा आईना भी रखा हुआ है, कैमरे वैमरे का सेटअप रख लिया हूं। और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते तो जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आज मैं सचमुच में बहुत बड़ा रिस्क उठाने जा रहा हूं। क्योंकि ये चैलेंज जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो मुझे याद है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था, मैं कर चुका हूं और कुछ बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। तो खैर आज देखते हैं, भगवान करे कुछ गलत ना हो, कुछ बुरा ना हो, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने पूरे सेटअप के साथ रेडी हो चुका हूं। सामने मैंने ये मिरर लगा दिया हूं, बाजू में एक अपनी कैंडल लगा दिया हूं और एक हल्की सी लाइट मोबाइल से मारना जरूरी है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट नोटिस हो पाए कि यहां पर चल क्या रहा है। बाहर मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए मुझे एग्जैक्टली शांति नहीं मिल पा रही है। मेट्रो का काम दिन रात चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत आवाज तो चल जाती है, लेकिन मैं पूरी तरह से एक बंद कमरे में बैठा हुआ हूं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्लोज्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे आसपास और ना ही कोई है। और ये मेरा सेटअप है जहां पर मैंने अपने कैमरे को रखा हुआ हूं। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बोल देता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को लगातार 10 मिनट तक नहीं देखना चाहते जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी बोल दूं कि इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कुछ नोटिस होता है तो, अगर मैं कमेंट सेक्शन में नोटिस नहीं कर पाया आप लोगों का कमेंट तो इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आके बता देना। अभी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है इसलिए शायद मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आइए अब इस चैलेंज को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बैठने का पोस्चर सही है कि नहीं मैं देख लूँ। हाँ, इसी पोस्चर में मैं बैठूंगा और अब मैं लगाने जा रहा हूँ टाइमर। फाइनली 3:10 का भी वक्त हो चुका है और ये लिटरली डेविल आर हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने क्लॉक ओपन कर लिया हूँ। क्लॉक ओपन करने के बाद अब मैं जाऊँगा टाइमर में 10 मिनट का। एग्जैक्टली मैं इसमें टाइमर स्टार्ट करता हूँ और टाइमर स्टार्ट करने के बाद मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा और लगातार अपने आप को देखता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 रेडी। रेडी
तो दस मिनट कर लिया मैंने, काफी ज्यादा करता हूँ मैं बात, एक सेकेंड जी टाइम चाहिए, लाइट ऑन करके बात करता हूँ। हाँ स्कैरी, हाँ सिर दुखने लगा। एक्चुअली मुझे मेरी आंखें जो है ना, जो पिछली बार हुआ था सेम मेरे साथ, जो मेरी आंखों की जो आई बॉल्स है वो मुझे बड़ी होती दिखाई दे रही थी लिटरली, और इसके बाद मुझे ना एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि जो मेरे एक साइड का चेहरा है वो पूरी तरह से वो हो गया, मतलब खराब हो गया। ऐसा मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वो फीलिंग कैसी थी, लेकिन जो भी थी बहुत डरावनी थी। लेकिन मैंने आज ये सोच के रखा था कि आज ही मेरे को किसी भी हालत में ये चैलेंज को करना ही है कंप्लीट, क्योंकि जब मैंने पिछली बार किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोले थे कि आप एक और बार ट्राई करो और इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो हो चुका है, ये था मेरा सेटअप अभी का। तो कैंडल को बुझा दिया जाए, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब तक आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी क्या बताऊँ, अब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं ही जानता हूँ, और सचमुच में बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि मुझे मेरी ही शक्ल में एक शैतान कह लो, एक भूत कह लो दिखाई दिया, मेरी ही शक्ल मुझे बिगड़ती हुई दिखाई दी, और पता नहीं क्या क्या नोटिस हुआ, अगर कुछ भी नोटिस हुआ है तो बताइए। डरावना था, लेकिन हाँ पिछली बार जितना नहीं था। शायद ऐसा हो सकता है कि अब मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, जब मैंने पिछली बार किया था जो कि एक साल पहले मैं थोड़ा सा मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था ये सब मामलों में, अब शायद हो चुका हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा डरावना नहीं लगा मुझे पर्सनली। अगर मेरी जगह कोई और होता तो छोड़ के भाग गया होता इस कमरे को, इतना भी बता। खैर अभी क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। हम कल फिर से मिलेंगे एक और कुछ हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।